Hello brilliant people. This time we are doing for class 9th exercise 10.4 question number 4. Question mein kya hai? Let us see. If a line intersects two concentric circles. Agar koi line hai, do concentric circles ko kaatti hai. Concentric circle kaun se hote hai? Jinka center same hota hai. यानी कि आपने 3 सेंटीमीटर लेकर के एक सर्कल बनाया और उसी सेंटर पे रख कर के 5 सेंटीमीटर लेकर के एक सर्कल और बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर वाला छोटा और ये 5 सेंटीमीटर वाला, तो आपको फिगर भी ये दे रखी है. सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कलों को, जो कि दो सर्कल है सेम सेंटर के साथ, विद सेंटर ओ, कौन से दो चार पॉइंटों पे काटती है? सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी, ये लाइन इसको और इसको चार पॉइंटों पे काट रही है. प्रूव करना हमें, प्रूव दैट ए बी इजल टू सी डी, ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के हमें बराबर करना है. एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं कि एक लाइन है जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कलों को ए बी सी डी इन चार पॉइंटों पर कट कर रही है, तो आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है. ओके, एक बार और बताऊं, अरे उसको पीछे कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा. ओके, अब उसके बाद हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा देखिए. ये है ओ सेंटर, ठीक है, दोनों के दोनों सर्कलों का सेंटर सेम है ओ, ये कोई सर्कल नहीं है, ये ओ है. ओके, तो अब ओ से हमने एक अपनी कंस्ट्रक्शन की है, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सर्कल के ऊपर. तो देखिए जो ये ओ ई है ना केवल परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, बल्कि ये ए डी भी तो एक कोड है इस बड़े वाले सर्कल की, राइट, और इसी तरीके से बी सी भी कोड है छोटे वाले सर्कल की. तो थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड मस्ट बाइसेक्ट द कोड. तो यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये कोड को, चाहे वो ये हो बड़े वाले सर्कल की चाहे वो छोटे वाले सर्कल की, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी. अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई बराबर होगी ई डी के, इसको नाम दे देंगे वन. इसी तरीके से बी ई बराबर होगी ई सी के, इसको नाम दे देंगे टू. सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, हम पूरे में से लेफ्ट हैंड साइड में पूरे में से इसमें से ये माइनस करेंगे तो बचेगा ये, और राइट हैंड साइड में इस पूरे में से हम ये माइनस करेंगे तो बचेगा ये सी डी, और हमारा प्रूव हो जाएगा, है ना. इस तरीके से हम इसको करेंगे. लेट अस सी हाउ वी विल राइट दिस प्रूफ इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो यहां भी हमें प्रूव ही करना है, जिसकी वजह से हम गिवन वगैरह लिखेंगे, ठीक है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, एक चीज ये हो गई, ठीक है. दूसरी चीज क्या होगी, लाइन, अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल्स एट ए कोमा बी कोमा सी एंड डी एज इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ये लिख दीजिए. थर्ड कुछ है, और कुछ नहीं है, ये दो चीज़ें हमें दे रखी है. उसके बाद हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो वो लिखते हैं. प्रूव हमें करना है ए बी बराबर में सी डी, ए बी बराबर में सी डी, ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं इसलिए ये लिखते हैं. कंस्ट्रक्शन हमने क्या की बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल,
कंस्ट्रक्शन हमने की है ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर ए डी के ऊपर है ना, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यू आर, आई नो एंड एवरीबडी नोज दिस। हमने ओ ई को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी के ऊपर, ठीक है। अब हमारा प्रूफ, प्रूफ के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। पिछली बार की तरह हम इसको रब नहीं करेंगे, फिगर को भी। तो प्रूफ, रीजन लिखते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोर्ड। सो इस वजह से क्या होगा, इन स्मॉलर सर्कल ओ नहीं बी ई बराबर होगी ई सी के, क्योंकि बी ई बी सी जो है कोड हुई ना छोटे वाले सर्कल की, एंड इन बिगर सर्कल सिमिलरली लिख लेंगे यहां पर सिमिलरली, ठीक है। बिगर सर्कल, बिगर सर्कल में क्या होगा, ए ई बराबर होगी ई डी, एम आई राइट। इसको नाम दिया वन, इसको नाम दिया टू। तो अब हमने छोटे सर्कल की पहले ली है, बताते हुए स्टार्टिंग में मैंने बड़े सर्कल की पहले ली थी, आप जैसा चाहे वैसे लिखिए। सबट्रैक्टिंग वन, छोटे वाले को बड़े वाली जो फिगर है उसमें से, जो लाइन सेगमेंट है उसमें से माइनस करना है, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू इसमें से, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस बी ई। कई बार होता है कि हम ध्यान नहीं देते या फिर हमारे पास ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है एग्जाम करते हुए, टेस्ट करते हुए, तो हमें दिमाग में नहीं रहता और इसके मार्क्स पर थोड़ा सा असर पड़ता है इससे। तो ध्यान से लिखिए बी ई माइनस ए ई, नहीं ए ई माइनस बी ई, ओके। ई डी माइनस ई सी, तो ए ई माइनस बी ई करेंगे तो ये बचा ए बी, और ई डी माइनस ई सी करेंगे तो बचेगा सी डी, और यही तो हमें प्रूव करना था। Hence proved. Okay, students, this way we have completed this fourth question. In next video, we will do it with, it mean fifth question of this exercise 10.4 in next video.